फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मैगी भेल, सूखी मैगी की भेल। इसमें हमने लिया हुआ है, उसको सेकने के लिए घी और बटर, एक मैगी, मैगी मसाला, नींबू, देन धनिया पत्ती और पुदीना, टमाटर एकदम फाइनली चॉप्ड, और एक प्याज, दो हरी मिर्च और भुजिया सेव, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला एंड नॉर्मल सॉल्ट। अभी हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है। अब इसमें घी और बटर डाल देंगे। तो मैगी को तोड़ करके डालेंगे, बारीक करके। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। ध्यान रखना है ये जले ना तो गोल्डन ब्राउन करना है। मैगी हमारी हो चुकी है, इसे अभी टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। मैगी एकदम क्रिस्पी हो गई है। अभी हम क्रिस्पी घी और बटर में सेकी हुई मैगी को डालेंगे बोल में। उसके बाद में ऑनियन, ग्रीन चिली, टोमेटो, मिंट एंड कोरिएंडर, चाट मसाला और ब्लैक पेपर मिक्स, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट,
हल्का सा रेड चिली पाउडर, भुजिया सेव, और इसे अभी मिक्स करेंगे। एकदम कलरफुल मैगी भेल इज रेडी। बस इसमें अभी मैगी मसाला डालना बाकी है और लेमन। इसमें अभी डालेंगे हम लोग मैगी मसाला और थोड़ा सा लेमन डालेंगे। फ्रेंड्स, ये रेडी है हम लोगों की चटपटी क्रिस्पी मैगी। हमेशा मैगी 2 मिनट्स पानी में डाल के खाने से बेटर है, कि चेंज के लिए यू कैन ट्राई दिस। हम लोगों का ड्राई मैगी भेल रेडी टू सर्व। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है।